गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनट की DUSOL अपडेट। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जितने भी हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, और बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, उनके में नॉट एलिजिबल लिख के आ रहा है। तो आज सारी बात करेंगे, चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, मैं SOL के एडमिट कार्ड डाउनलोड वाली वेबसाइट पर हूं, और यहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना करेक्ट रोल नंबर भी डाल रहे हैं और बारकोड भी डाल रहे हैं, नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू भी सॉल्व करके डाल रहे हैं, पर उनके में ये शो आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करंट एग्जाम, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट योर सेक्शन। तो गाइस ये खाली उन्हीं बच्चों का आएगा जिन बच्चों ने अपने सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप नहीं करा था। आप देख सकते हैं हमने अपने चैनल पर वीडियो भी डाली थी, अगर आप हमारे चैनल से लेट जुड़े हो तो हो सकता है आपसे रह गया हो। तो अब इन बच्चों का क्या होगा, अब ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप नहीं करा था और अब वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो अब ऐसे बच्चों को अब वेट करना होगा, अपना थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म वगैरह फ़िलअप करेंगे, फिर उसके बाद जब वो फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे मतलब नेक्स्ट ईयर, तब वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा मेरी SOL डिपार्टमेंट में बात हुई थी कल, तो उन्होंने बोला था जब ये एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे, मतलब ये जो आपके 24-25 तारीख तक जो एग्ज़ाम चल रहे हैं AB, जिसमें बच्चे अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर देंगे, तो इन्हें वन मोर चांस की बात कही गई थी। अगर ऐसा होता है तो हम अपने चैनल पर फटाफट से वीडियो बना के डाल देंगे, जिसमें ऐसे स्टूडेंट जो अपना सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे उन्हें हो सकता है कि एक और चांस मिल जाए। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि जैसे ही SOL अपनी साइड से आपके लिए अगेन फॉर्म निकालता है, हम आपको अपडेट कर देंगे, और जब आप अपना फॉर्म फिलअप करके अपने असाइनमेंट सबमिट सकते हैं। पर ऐसे स्टूडेंट को हमारी टीम बस एक ही एडवाइस करना चाहेगी कि आप अपने असाइनमेंट बना के रख लें, क्योंकि गाइस जब आपको टाइम दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता, ज़्यादा 4 या 5 दिन का टाइम दिया जाएगा और आपके 4 असाइनमेंट होंगे, तो ऐसे में आपको एट ओ टाइम बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आप असाइनमेंट बना के रख सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है पर उन्हें आ नहीं रहा निकालना, तो मैं उन्हें एक चीज़ बता दूं, आपको अपना रोल नंबर है ना इस टाइप से टाइप करना है 20 IN 1 IN 42 या जो भी है उनका 40 42 जो भी है ECT इस टाइप से, और नीचे उनका इस टाइप से टाइप होगा, बाकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर देनी है जो नीचे वाली है। अगर आप इस पैटर्न में करेक्ट आप इसी पैटर्न में अपना टाइप कर रहे हैं और जब भी आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, तो उसका खाली एक ही रीज़न है जो मैंने आपको अभी बता दिया वीडियो में, कि आपने अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा। पर अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा है तो आपको अपना रोल नंबर इस तरह से डालना है SOL का, और बारकोड इस तरह से डालना है, और आपको नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके लॉगिन करके सबमिट कर देना है, आप सभी का डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था, काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे तो ये वीडियो बनाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ गाइस अगर आपके कोई भी फ्रेंड है जो अपना असाइनमेंट नहीं दे पा रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और उसे हमारे चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें, क्योंकि ये उसके करियर का सवाल है। आप समझ सकते हैं किसी के लिए उसका एक सेमेस्टर में बैकलॉग लगना कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है गाइस, बाय
एंड टेक केयर।